अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम HTML के लैंग्वेज एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे, मेटा टैग को स्टडी करेंगे और लिंक टैग को स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपना कोड एडिटर ओपन कर लें और यहाँ से लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुंचे थे जिसमें हमने लेट्स एलिमेंट्स और बाकी कुछ बेसिक HTML एलिमेंट्स को स्टडी किया था। और इसे कॉपी करके पाथ इसे कोलैप्स कर दूंगा यहाँ पे और इसे ब्राउज़र में भी ओपन कर लूँगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक काम किया था जिसमें हमने इसमें लिंक को ऐड कर दिया था इमेजेस, और यहाँ पर हमने लिंक ऐड कर दिया था कि हम जब भी इस पर क्लिक करें तो ये एक न्यू टैब में ओपन करें। आज की वीडियो में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ और इन कमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो आज की वीडियो में हम चीज़ें कवर करेंगे वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ये HTML टैग पे लगता है, उसके बाद मेटा टैग और लास्टली लिंक टैग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट। बेसिकली ये एट्रीब्यूट इस HTML के टैग पे लगता है और इसको यूज करने का तरीका कार है लैंग्वेज और जो इसकी वैल्यू। बेसिकली ये लैंग्वेज का एट्रीब्यूट आप किसी भी HTML एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं। आप इसको इस H1 एलिमेंट पे लगा सकते हैं, आप इसे इस पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। मेनली इसका जो मकसद होता है वो ये है कि इस टैग में जो जितना भी कॉन्टेंट है, मीन इस टैग को अगर मैं कोलैप्स करता हूँ तो इस टैग में जो भी चीज़ आ रही है वो किस जुबान में लिखी गई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी तक यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो लैंग्वेज कोड है उसको यहाँ पे मैंशन कर देंगे जो कि है EN। ये बेसिकली SEO पॉइंट ऑफ व्यू और जो ब्राउजर्स को डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू में काम देता है, इसलिए आप जब भी कोई HTML की डॉक्यूमेंट बनाए तो HTML टैग में, एटलीस्ट HTML टैग में लैंग्वेज के एट्रीब्यूट को जरूर सेट किया करें। अगर आप ये उर्दू सेट करना चाहते हैं कि मैं इसमें जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ पूरी वो उर्दू है, तो आप यहाँ पे UR और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस कोड हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, HTML लैंग्वेज कोड्स ये लिख के हम सर्च करेंगे, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली जिस भी लैंग्वेज, जैसे अगर हम यहाँ पर इंग्लिश अगर लिखकर सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है और इसके रिस्पेक्टिव जो कोड है वो EN है जो कि मैंने अभी यूज किया था। तो यहाँ पे मैं वापस आके इसे EN सेट कर दूंगा। हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे मूविंग फॉरवर्ड तो हम सबसे पहले HTML टैग जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसमें उसका लैंग्वेज एट्रीब्यूट सेट करवा देंगे। इससे ब्राउजर को ये समझने में आसानी होती है कि इस टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है वो किस जुबान में लिखा गया है, मेनली ये कंटेंट जो यूजर को नजर आएगा। इसे मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे मेटा टैग को। मेटा टैग बेसिकली ये डेटा या डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं, मीन के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ये डेटा होता है। यहाँ पर मेनली हमें जो भी मेटा टैग होते हैं वो हेड टैग में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मेटा टैग मैं लगाऊंगा वो सारे हेड टैग के अंदर आने चाहिए। ये मेनली बताते हैं कि हमारी ये डॉक्यूमेंट किस तरह भी बिहेव करनी चाहिए। मेटा टैग्स में से जो इम्पोर्टेंट मेटा टैग्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग आता है जो कि इस डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है। ये सर्च इंजन में काम आता है ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि जब सर्च इंजन इस डॉक्यूमेंट को रीड करे तो वो इस डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन से ये अंदाजा लगा सके कि ये डॉक्यूमेंट किस रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे हम जायोंस वेबसाइट इंट्रो कर रहे हैं तो मैं जायोंस वेबसाइट का जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा इस मेटा टैग में। उसके बाद जो एक और मेटा टैग, इंपॉर्टेंट मेटा टैग है वो है कीवर्ड्स का। इसमें हम वो कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनको, अगर जैसे कि हमारी इस डॉक्यूमेंट का जो कीवर्ड है वो जायोंस मेन कीवर्ड है, तो
तो हम वो सारे कीवर्ड्स इस मेटा टैग में ऐड कर देते हैं जो हम चाहते हैं कि अगर ये कोई कीवर्ड लिखकर गूगल में सर्च करे, जैसे कि अगर कोई गूगल में सर्च करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस, और मैं चाहता हूं कि कोई अगर मेरी कंपनी क्योंकि डेवलपमेंट हाउस है, तो कोई भी अगर गूगल में डेवलपमेंट हाउस या उसके रिलेटेड, जैसे इस क्यूरी में हाउस भी आ रहा है या कंपनी आ रही है, मेन जो कीवर्ड है वो सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग कीवर्ड भी हो सकते हैं और ये दोनों मिलाकर एक कंपाउंड कीवर्ड भी हो सकता है। अगर ये लिखकर कोई गूगल में सर्च करता है और तो मेरा वेब पेज उसको नजर आना चाहिए, तो ये जो कीवर्ड है मैं अपने पेज के कीवर्ड्स के मेटा टैग में ऐड करूंगा। आप एक पेज के कीवर्ड्स मेटा टैग में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ऐड ना करें कि आप उसमें 100-200 कीवर्ड्स ऐड कर दें कि कोई भी सर्च करेगा कोई भी बंदा तो ये मेरा पेज उसके सामने आ जाए, इस तरह ये काम नहीं करते। आप स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स जो इंफॉर्मेशन आप इस पेज पे उसको स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को अपने कीवर्ड्स के मेटा टैग में इंक्लूड करें, अदरवाइज वो बैडली इंपैक्ट करेगा आपके पेज को। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट मेटा टैग है वो है ऑथर। ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखी है। ऑब्वियसली आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखी है तो आप ये चाहेंगे कि उसमें अपना नाम मेंशन करें, तो उसके लिए आपके पास ऑथर का मेटा टैग है। लास्टली इसके अलावा भी काफी और मेटा टैग्स हैं, लेकिन ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं। जो लास्ट मेटा टैग हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो है व्यू पोर्ट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव स्केल को मैनेज करता है। आपकी वेबसाइट में अगर ये व्यू पोर्ट का टैग नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बिहेव नहीं करेगी। आपने मीडिया क्वेरीज लगाई हो या ना लगाई हो, ये रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट हम प्रॉपरली जब CSS के फंडामेंटल्स कर रहे होंगे उसमें भी एक दफा गो थ्रू करेंगे, क्योंकि हम उसमें मीडिया क्वेरीज को देखेंगे और बाद में जब हम इस प्रोजेक्ट में कोर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी इसको प्रॉपरली देखेंगे। आज मैं आपको इसे ब्रीफली यूज करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। ये मेनली रिस्पॉन्सिवनेस को मैनेज करता है। ये 4 मेटा टैग्स हम आज यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और मेटा टैग, जैसे कोई भी टैग स्टार्ट होता है उसका नाम, और मेटा टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन सिंबल, ये मेटा टैग आ गया। और जैसे कि अभी तक हमने देखा था, हमने इमेज के टैग में देखा, हमने BR के टैग में देखा और हमने बाकी भी जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स थे उनमें देखा कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन हम एट्रीब्यूट्स के जरिए पास करते हैं, क्योंकि उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए हम उनमें कोई कंटेंट पास नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आता है। इस तरह का कोई कंटेंट उनमें पास नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हम एट्रीब्यूट्स के जरिए मैनेज करते हैं। मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर और व्यू पोर्ट, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये मेटा टैग एक ही टैग है, इस एक टैग में इन चारों चीजों और इनके अलावा और भी चीजों को मैनेज करता है। हम इस वीडियो में सिर्फ इन 4 चीजों को स्टडी करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं। इन चीजों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें बताना होता है कि ये मेटा टैग किसके मुतालिक है, हमें उस चीज का नाम बताना होता है। उसके लिए एक एट्रीब्यूट है नेम, हम इसको बताते हैं कि ये मेटा टैग जिस चीज को हैंडल कर रहा है वो है, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन। और ये हमने बता दिया कि ये डिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा है, जिस चीज को हैंडल कर रहा है उसका नाम डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन अब है क्या, उसका जो कंटेंट है हम उसको कंटेंट के एट्रीब्यूट में पास करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया कि ये डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग है और इसका जो कंटेंट, इसकी जो वैल्यू है वो इस कंटेंट के एट्रीब्यूट में आ जाएगी, जो भी यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे। मैं यहाँ पर एक डमी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने यहाँ पर डमी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया और इसे सेव कर दिया। मैं यहाँ पे आके पेज में इसे मैं क्लोज कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इस पेज को एक्सेस कर सकें। और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि विजुअली कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आया। जैसे कि हमें पहले भी इस चीज को हम स्टडी कर चुके हैं कि जो डाटा हम यहाँ पर हेड के सेक्शन में ऐड करते हैं मेनली वो हमारे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह बिहेव करना चाहिए। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेनली ब्राउजर जो हमारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है उसके लिए है, ताकि उसको पता हो कि ये डॉक्यूमेंट किसके रिलेटेड है। अगर आप फिर भी इस डिस्क्रिप्शन को देखना चाहें कि ये कहाँ पर है, तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें।
यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन यहां पे ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट मेटा टैग से। मैं इसे यहां से क्लोज कर दूंगा और नेक्स्ट मेटा टैग से कंटिन्यू करूंगा जो कि है कीवर्ड्स का मेटा टैग। मैं यहां पर टाइप करूंगा मेटा और इसे क्लोज कर दूंगा। एज जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमने नाम डिफाइन करना है कि ये मेटा टैग किसके रिलेटेड है, ये कीवर्ड्स के रिलेटेड है, और फिर हमने कंटेंट में बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। कंटेंट में अब जितने भी मैंने कीवर्ड्स इसमें ऐड करने हैं वो यहाँ पर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में ऐड कर दूंगा। मैं एक कीवर्ड ऐड कर दूंगा ज़ायोन्स एसईओ डेवलपमेंट डिजाइनिंग, एंड कोई भी अगर जो रेलिवेंट होगा इस पेज के, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैं इसे कैपिटलाइज कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट है कीवर्ड स्टफिंग, उसका मतलब होता है कि आप पेज में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बहुत ज्यादा आप कीवर्ड्स ऐड कर दें जो कि इस पेज के बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो वो आपके पेज की एसईओ को बैडली इम्पैक्ट करेंगे, वो इम्प्रूव करने के बजाय पेज की एसईओ को खराब कर देंगे। सो इस टैग में आप नॉर्मली 5 से 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपके इस पेज के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हों। यहाँ पे ज़ायोन्स का क्योंकि ये वेबसाइट इंट्रो है तो यहाँ पर जो वेब ज़ायोन्स से कीवर्ड इसके मोस्ट रेलिवेंट है, और बाकी जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं उनके रेलिवेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फिर वो चीज रेलिवेंट होगी। अगर मैं जो चीज मैंने इस पेज पे डिस्कस नहीं की या उसका कोई लिंक नहीं है इस पेज पे, मैं उसको अगर यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे गेम डेवलपमेंट कह देता हूँ जिसको मैंने इस पूरे पेज में कहीं पे डिस्कस नहीं किया, तो ये किस्म की कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी कि मैं एक इस तरह का कीवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ जो इस पूरे पेज में कहीं पे भी ना तो डिस्कस हुआ है और ना ही कोई लिंक है जो कि उस पेज तक लेके जा रहा है जिस जो आगे इस फर्दर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। 5 से 10 कीवर्ड्स आप ऐड कर लें, हेल्थी नंबर है कि आप 8 ऐड कर लें, नहीं तो अगर आप 10 ऐड करना चाहें तो मैक्सिमम 10 से ज्यादा ऐड ना करें, और मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए, वही कीवर्ड्स ऐड करें जो आपके इस पेज के रेलिवेंट है। हम यहां से कीवर्ड्स के टैग को रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑथर का टैग। सेम यहां पे मैं स्पेस को खत्म कर दूंगा और एंटर करके एक और मेटा टैग इंट्रोड्यूस करवा लूंगा। और जैसे कि आपको समझ लग गई होगी अभी तक कि यहाँ पर जो ऑथर है ये नेम की वैल्यू होगी और कंटेंट के एट्रीब्यूट में हम उसके ऑथर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं नेम का एट्रीब्यूट दूंगा और उसमें बता दूंगा कि ये मेटा टैग किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये ऑथर को डिफाइन कर रहा है, और कंटेंट के एट्रीब्यूट में मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा कि इस ऑथर का नाम क्या है, एहसन महमूद। मैं अपना नाम लिख लेता हूं, आप यहां पर अपना नाम मेंशन कर लीजिएगा। एक लास्ट जो हमारा कीवर्ड रह गया है जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लास्ट जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लिंक का टैग, उस पर मूव करेंगे। यहां पर नेम के एट्रीब्यूट में हम व्यूपोर्ट लिख देंगे और इसी के साथ मैं इस कमेंट को यहां से डिलीट कर दूंगा, यहां पर मैं व्यूपोर्ट को पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं जो चीज लिख रहा हूं ये आपने जो भी HTML की डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें इसको एज इट इज लिख लेना है जब तक कि आप एडवांस HTML यूजर नहीं बन जाते। मैं आपको दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मेनली आपने इस टैग को एज इट इज लिख लिया करना है। आपने डिस्क्रिप्शन का टैग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि जो भी कॉन्टेंट उसमें आना है आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स के कॉन्टेंट को चेंज कर सकते हैं। 5 या 10 से ज्यादा कीवर्ड्स को ऐड ना करिएगा, वो आपके पेज को बैटली इंपैक्ट करेंगे। आप ऑथर में अपना नाम लिख सकते हैं लेकिन व्यूपोर्ट का ये जो मेटा टैग है इसमें मैं जो कंटेंट में वैल्यू लिखने लगा हूं आप प्लीज इसको एज इट इज लिखिएगा, अदरवाइज आपकी जो रिस्पॉन्सिव सेटिंग है वो खराब हो जाएगी। जब आप एडवांस HTML डेवलपर बन जाएंगे तब आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी, तब आप इसको चेंज कर लीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हमने जो इसका कंटेंट लिखना है उसमें आएगा विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब है कि जब ये पेज लोड होगा तो हमने विड्थ को इस डॉक्यूमेंट की विड्थ को सेट कर देना है जो कि डिवाइस की विड्थ है उसके, एक चीज। और एक और चीज यहाँ पे मैंने कोमा देके यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी और कोमा देके मैंने दूसरी वैल्यू लिखनी है इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। आप इसे 1 भी लिख सकते हैं और कई जगह पे आपने देखा होगा 1.0। जब आप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो कोई पेज ऐसा आएगा
वहां पे आप लिखा हुआ देखेंगे 1.0, दोनों वैलिड वैल्यू है, आप 1 भी ऐड कर सकते हैं और 1.0 भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पर और पेज में आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो हमारा कंटेंट है वो एज इट इज ही है। मैं यहाँ पर आपको इस व्यू पोर्ट की सेटिंग को सही से दिखाने के लिए कि ये किस तरह हमारे रिस्पॉन्सिव सेटिंग को इफेक्ट करता है, मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहां से आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ये जो डेस्कटॉप और मोबाइल का आइकॉन है जिसके होवर करें तो आता है टूगल डिवाइस टूल बार, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये व्यूज चेंज हो गया है। ये रिस्पॉन्सिव स्केल को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आप डायमेंशंस की सेटिंग में देख सकते हैं कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी डिवाइसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक कह लें क्योंकि फेक इम्यूलेशन है जो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, ये एक्चुअल डिवाइसेस के रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी जो भी वेबसाइट बनानी है उसको किसी ना किसी फिजिकल डिवाइस पर जरूर टेस्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक क्विक वे है उसको टेस्ट करने का जिसपे ये व्यू पोर्ट का एटलीस्ट हमें नजर आ जाता है। अगर आप में से किसी का ये रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट हो तो ये कोई एक्चुअल डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी विड्थ को कंट्रोल करने का तरीका है कि आप इसको जिस भी विड्थ पे रख के देखना चाहें उसको देख सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट हो या कोई भी डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट हो, डायमेंशन के आगे जो ड्रॉप डाउन है वहां पे क्लिक करना है और यहाँ से आईफोन 12 या जो भी आईफोन की डिवाइस, किसी एक डिवाइस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उससे ये उस डिवाइस के डायमेंशन को सेट कर देगा। और अगर आपकी ये डिवाइस छोटी या बड़ी नजर आ रही हो तो आप ये 100 के स्केल पे क्लिक करें और यहाँ से फिट टू विंडो पे क्लिक कर दें, ये आपकी डिवाइस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। ये स्केल मेनली कब डिस्टर्ब होगा, जब आपकी ये जो साइड बार है ये बॉटम में नजर आ रही है। ये बॉटम में कैसे आ सकती है, अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूं और यहाँ पे डॉक साइड पे इस बॉटम वाले आइकॉन पे क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये बॉटम में आ गया और जिसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा स्क्रीन जो है वो हाइड हो गई है। मैं फिर यहाँ पे ये जो 100% वाली ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करूंगा और फिट टू विंडो करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसने मेरी डिवाइस को जो अवेलेबल विड्थ थी उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है। मैं वापिस इसको 3 डॉट्स क्लिक करके इसे साइड पे ले जाऊंगा और एक दफा फिर यहाँ पे 50% जो वहां पे लिखा आ रहा है, जो ये डिवाइस फिट्स ड्रॉप डाउन है, वहां पे क्लिक करके फिट टू विंडो करूंगा तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही नजर आ रही है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये सही नजर आ रही है। मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूँ अपने कोड में और इस टैग को अगर कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया उसको कमेंट करने के लिए, कमांड प्लस एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पेज की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो खराब हो गई है। ये इमेजेस को फर्क नहीं पड़ा लेकिन जो बाकी सारा टेक्स्ट था वो सारा खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सारा जो टेक्स्ट है वो खराब हो गया और नीचे मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ गया। इसी से आप देख सकते हैं कि ये जो टैग है आपके रिस्पॉन्सिव जो सेटिंग है उसको मैनेज कर रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टैग ऐड किया है, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारा एक तो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल है वो खत्म हो गया है, यहाँ से मैं वापस आ जाऊंगा, और दूसरा हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो भी सही नजर आ रहा है। आपने इस चीज को एज इट इज पेस्ट करना है। इसको मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये विड्थ की जो वैल्यू है ये सेट करिए कि जो भी डिवाइस की विड्थ है डॉक्यूमेंट की विड्थ को वो सेट कर दो, और इनिशियल स्केल ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के जूम स्केल को डिफाइन कर रहा है कि जब डॉक्यूमेंट लोड हो तो इसका जो जूम का स्केल हो वो 1, उसको रीसेट करके जो नॉर्मल स्केल है उस पे ले आओ। ये आपने एज इट इज हर एक डॉक्यूमेंट के हेडर में ऐड कर देना है। इसी के साथ हमारा मेटा टैग है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे लिंक टैग। अभी तक हमने काफी ज्यादा चीजें सीख ली हैं, लेकिन मेनली हमारी ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कोई हमारा आइकॉन नहीं आ रहा। जैसे कि आप कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करें, हम अगर यहाँ पे zions.com ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये वेबसाइट लोड होगी तो यहाँ पर ये जो zions का आइकॉन या फैब आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जो हमारी डॉक्यूमेंट है वहां पर हमें ये एक वेबसाइट का जो आइकॉन है जो कि डिफॉल्ट फैब आइकॉन है वो शो हो रहा है।
इस चीज को जो यहाँ पे ये जो इमेज शो हो रही है इसको फैब आइकॉन बोलते हैं, और जब हम कोई भी फैब आइकॉन डिफाइन ना करें तो ब्राउजर में ये एक डिफॉल्ट फैब आइकॉन होता है जिसको वो यूज कर लेता है, जो कि ग्लोब का आइकॉन है। आप इसको कस्टमाइज करने के लिए जो टैग हमारे पास है वो है लिंक का टैग। लिंक का टैग मेनली सिर्फ फैब आइकॉन को सेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा चीजों को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीएसएस की स्टाइल शीट है, लेकिन वो हम स्टडी करेंगे जब हम सीएसएस के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। अभी हम लिंक टैग को यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के फैब आइकॉन को सेट करने के लिए। मैं यहाँ पे लेस देन सिंबल लगाऊंगा, लिंक टाइप करूंगा, और लिंक का टैग भी मेटा टैग की तरह एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मैं स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन सिंबल देके इस लिंक के टैग को क्लोज कर दूंगा। वंस अगेन, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनका सारा डाटा, उनकी जो भी डेफिनेशन होती है वो हम एट्रीब्यूट्स के जरिए डिफाइन करते हैं। लिंक के टैग में जो एक चीज हमने डिफाइन करनी होती है वो ये है कि ये किस चीज का लिंक है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो है REL, रिलेशनशिप। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिलेशनशिप, उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने इमेज में देखा था कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज की गई थी SRC, जो कि यूज होता है सोर्स के लिए। यहाँ पर REL रिलेशनशिप, कि ये जो लिंक लगने लगा है ये फाइल का इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशन है, आप हम इक्वल दिखाएंगे, और ये जो हम ऐड करने लगे हैं ये इस फाइल का आइकॉन है। तो यहाँ पे मैं आइकॉन टैप कर दूंगा। आपने फैब आइकॉन के लिए जो लिंक का एट्रीब्यूट ऐड करना है, जो लिंक का टैग ऐड करना है, उसमें रेल का REL एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आइकॉन ही होनी चाहिए। और उसके बाद हम HREF में इस फाइल का, जो कि आइकॉन की फाइल है, उसका पाथ यहां पर मेंशन कर देंगे। ये पाथ एक URL भी हो सकता है और एक लोकल फाइल का रिलेटिव पाथ भी हो सकता है। मैं इसका एक URL भी कॉपी कर सकता हूं और एक लोकल फाइल का रिलेटिव पाथ भी कॉपी कर सकता हूं। मैं दोनों चीजें यूज करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं साइड बार को ओपन करूंगा और आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था, जब हम इमेज ऐड कर रहे थे तो एसेट्स के फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर है, उसमें ज़ायोंस लोगो की PNG फाइल हमारे पास पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा। लास्ट वीडियो में, इमेजेस की वीडियो में भी हमने इसको स्टडी किया था कि डॉट और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाने का मतलब है कि जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है, जहां पे ये index.html की फाइल पड़ी हुई है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट में चाहे पड़ी हुई है, उस डॉक्यूमेंट तक आ जाओ, उस जगह तक आ जाओ। ये किसी फोल्डर में पड़ी हुई है या जहां पे भी पड़ी हुई है, अगर ये किसी फोल्डर में पड़ी होती, मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी करके दिखा दूंगा कि अगर ये किसी फोल्डर में पड़ी होती और हमने एक फोल्डर पीछे आके फिर किसी फोल्डर में जाने होता तो उसका तरीकाकार क्या है। अभी क्योंकि ये रूट पे पड़ी हुई है, इस प्रोजेक्ट के रूट में पड़ी हुई है, और ये एसेट का फोल्डर और index.html की फाइल एक ही फोल्डर में है, जो कि HTML स्टार्टर कोर्स का फोल्डर, तो ये जो मैंने ऐड किया डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, ये यहां तक आ चुका है HTML की फाइल तक। मैंने एसेट्स के फोल्डर में जाना है, मैं यहां पे टाइप करूंगा एसेट्स, एंटर करूंगा तो वो ऑटो कंप्लीट हो गया। एसेट्स के फोल्डर के बाद मैंने इमेजेस के फोल्डर में जाना है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे ऑटो कंप्लीट यहां पे मिल रहा है। मैं फिर भी यहां पे टाइप करूंगा और फिर एंटर करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे उस फाइल का नाम जो कि इमेजेस के फोल्डर में है वो यहां पे मिल रहा है। मैं एंटर करूंगा तो यहां पे वो फाइल अटैच हो जाएगी। मैं इसे यहां पे सेव करके यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइकॉन है, जो फैब आइकॉन है, वो चेंज हो गया। एक और एट्रीब्यूट जो इस लिंक के टैग पे ऐड कर देना अच्छा है वो ये है टाइप का एट्रीब्यूट। यहां पे आप बताते हैं कि ये जो हमने आइकॉन ऐड किया है ये किस टाइप का है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये .png, ये एक png की इमेज है, तो इसकी जो टाइप है वो image/png है। आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, और अगर आपको उस फाइल की टाइप का पता हो तो इसको लगा देना बेहतर है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये फाइल किसी सब फोल्डर में पड़ी होती तो हम इस आइकॉन को कैसे एक्सेस करते हैं। मैं यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा पेजेस, और इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर दूंगा अबाउट अस,
.html मैं एंटर करूंगा और ये फाइल यहां पे क्रिएट हो जाएगी। यहां पे मैं html लिख के टाइप करूंगा, मुझे ये ऑटो कंप्लीट मिलेगा। अगर आपको ये ऑटो कंप्लीट ना मिले तो विंडो पे शॉर्टकट की है, यहां पर आपने इसके एंड पे रहकर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो आपको इसकी जो ऑटो कंप्लीट है वो वहां पे मिल जाएगी। और अगर आप मैक ओएस यूजर हैं तो मैक ओएस में इसकी शॉर्टकट की है ऑप्शन प्लस एस्केप की, ये आप दबाएंगे तो आपको वो ऑटो कंप्लीट फिर से मिल जाएगा। मैं यहां से HTML फाइल पे क्लिक करूंगा और ये बेसिक जो स्केलेटन है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। आप इसको खुद भी टाइप कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह ये छोटा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने इसको काफी दफा गो थ्रू कर लिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक H1 ऐड कर दूंगा अबाउट अस पेज और इस H1 को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहां पर भी यही टाइटल ऐड कर दूंगा। इस पेज को मैं पहले ओपन करके देख लूंगा और हम इसका जो हमने लास्ट वीडियो में किया था हम उसको एक गो थ्रू कर लेंगे। ये आपका एक शॉर्ट चैलेंज है कि आप इस पेज में एक लिंक ऐड करें जो इस फाइल को ओपन करें। आपने इसके ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिव काम किया हुआ है लेकिन ये एग्जैक्ट काम नहीं किया हुआ। मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर आप इसको खुद ही ट्राई करना चाहते हैं हिंट के बगैर तो वीडियो को अभी पॉज करें और कंटिन्यू करें। और अगर आप हिंट सुनना चाहते हैं तो ये है कि इस फाइल में हम एक एंकर टैग को क्रिएट करेंगे और उसके HREF एट्रीब्यूट में हम रिलेटिव पाथ को यूज करते हुए इस फाइल तक ले जाएंगे। तो ये था आपका हिंट और आप उसके टेक्स्ट में लिख सकते हैं गो टू अबाउट अस पेज, ये आपका हिंट था। वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करें। होपफुली आपने चैलेंज को ट्राई किया होगा और आपका रिजल्ट काम भी कर रहा होगा। अब हम इसे मिलकर कंटिन्यू करेंगे। मैं वीडियो के स्टार्ट में आ जाऊंगा और यहां पर इस इमेज से पहले मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूंगा और उसे क्लोज करूंगा और यहां पर HREF में मैं .forward/ लिख के इस फाइल तक आ जाऊंगा। इस फाइल का जो पाथ है यहां तक हम आगे और उसके बाद मैंने पेजेस के फोल्डर में जाना है तो यहां पर मैं पेजेस टाइप करूंगा और .forward/ लिख के मैं पेजेस के फोल्डर में आ जाऊंगा और फिर जो फाइल का नाम है वो है about-us.html। मैं ए सेम पाथ यहां पे राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा कमांड ए कमांड सी फॉर कॉपी, यहां पे एंटर कर दूंगा, इस फाइल में वापस आऊंगा और यहां पर कमांड वी करके पेस्ट करूंगा और यहां पर टेक्स्ट लिख दूंगा गो टू अबाउट अस पेज। मैं इसे सेव करूंगा और यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये लिंक आ गया और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हम अबाउट अस पेज पे आ गए हैं। मैं वापस अपनी फाइल में आ जाता हूं कोड में और अब हम कंटिन्यू करते हैं इस पेज से। मेन जो हम चीज सीख रहे थे वो ये है कि हमने इस फोल्डर में रहते हुए इस फाइल से हमने अपना इस डॉक्यूमेंट का फेव आइकॉन सेट करना है जो कि इस फोल्डर में यहां पर पड़ा हुआ है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम उस लिंक के टैग को इंट्रोड्यूस करवा देंगे यहां पर और उसे क्लोज करवा देंगे। अगर आपको यहां पर इस चीज की समझ लग गई है कि हमने, मैं आपको यहां पे हिंट दे देता हूं और ये आपका एक छोटा सा चैलेंज है कि आप इसे खुद कंप्लीट करें। हम यहां पे जो rel rel का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू आइकॉन सेट करेंगे और जो HREF का एट्रीब्यूट है उसमें .forward/ लिखकर इस फाइल तक आ जाएंगे और इस फोल्डर से किसी भी फोल्डर से बाहर निकलना हो तो उसका तरीका कार होता है .forward/ लिख के हम इस फाइल तक आ गए। अब क्योंकि हमने इस फोल्डर से बाहर निकलना है, ये फाइल जो है हमारी पेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है, हम एक फोल्डर एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो उसका तरीका कार होता है .. जब हम .. लगाएंगे तो हम ये रूट के फोल्डर में आ जाएंगे, पेजेस के फोल्डर में से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद अब तरीका का बिल्कुल सेम है जो कि हमने यहाँ पे index.html की फाइल में किया था। हमने assets के फोल्डर में जाना है, फिर images के फोल्डर में जाना है और फिर इस फाइल को एक्सेस करना है। तो ये आपका शॉर्ट टेस्ट है, आप प्लीज इसे कंप्लीट करें और इस फाइल में यहां पर मुझे आइकॉन को सेट करके दिखाएं। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। अगर आपका रिजल्ट सही आया था तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं कि आपने इसे खुद ही रिजोल्व कर लिया था और आपका रिजल्ट भी सही आया। अब हम इसे मिलके कंटिन्यू करेंगे।
मैं यहाँ पर आऊंगा और इस चीज को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर rel का एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा और उसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया कि आइकॉन सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर href का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम यहाँ पे इस फोल्डर तक आ जाएंगे, इस फाइल जहां पे ये फाइल है। और क्योंकि हमने एक फोल्डर बाहर निकलना है, इस पेजेस के फोल्डर में से बाहर आना है, तो जो मैंने आपको बताया था डॉट डॉट यहाँ पर एंटर करूंगा। ये डबल डॉट का मतलब होता है कि एक फोल्डर पीछे आ जाओ। हम अब रूट के फोल्डर में आ चुके हैं, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एंटर करूंगा तो यहां से अब हमें जाना है एसेट्स के फोल्डर में। यहाँ पे मैं एसेट्स लिख के टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एसेट्स का मुझे ऑटो कंप्लीशन मिल रहा है। अगर मैं यहां से आपको दिखाने के लिए यहां पर एसेट्स टाइप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे ऑटो कंप्लीट नहीं मिल रहा, मतलब ये एसेट्स का फोल्डर यहाँ पे पेजेस के फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये बात सही है क्योंकि ये पेजेस के फोल्डर में नहीं बल्कि रूट में पेजेस के फोल्डर के साथ उसका एक सिबलिंग है, उसके साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो हमें पहले पेजेस के फोल्डर में से बाहर आना पड़ेगा, डबल डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे कि बाहर आ जाओ। और उसके बाद जब हम ए डबल एस लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको पता चल गया कि हम पेजेस के फोल्डर में से बाहर आ गए हैं, रूट के फोल्डर पे हैं और यहाँ पे ये एसेट्स का फोल्डर है। मैं यहाँ पर एस लिखूंगा, मुझे ऑटो कंप्लीट मिलेगा। मैं एंटर करूंगा, एसेट्स के फोल्डर में आ गया। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, इमेजेस के फोल्डर में आ गया। और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और इस फाइल को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लास्टली जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने टाइप का एट्रीब्यूट भी जरूर ऐड करना है, जिसको कि हम इमेज स्लैश पीएनजी, जो इस फाइल की टाइप होगी वो हम इसको सेट कर देंगे। हम यहाँ पे कमांड प्लस एस दबा के इसे सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका आइकॉन सेट हो चुका है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने सीखा कि लैंग्वेज का एट्रीब्यूट हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे इस्तेमाल करना जरूरी है और उसका क्या फायदा होता है। मेटा टैग ये क्या होता है, जिसमें कि हमने चार इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स को देखा, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर और व्यूपोर्ट। और लास्टली हमने देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट के फैब आइकॉन को कैसे सेट कर सकते हैं लिंक का टैग यूज करते हुए। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। आप कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज उसे मुझे बताएं। उसके लिए हमने आपके लिए एक पेज बनाया है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, zions.com/request-topic। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि आप कोई भी एक टॉपिक सीखना चाहते हैं, आप प्लीज उसको यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करें कि ये टॉपिक प्लीज इस पे एक वीडियो बनाई जाए। यहाँ पे हमने उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिफाइन किया हुआ है कि हम उस टॉपिक पे एक पोल चलाएंगे और जितने यूजर, जितने ज्यादा यूजर्स उसमें इंटरेस्टेड होंगे, उस इंटरेस्टेड पे बेस पे हम उस टॉपिक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ये पेज कंप्लीटली आपके लिए है ताकि आप चैनल के साथ एंगेज हो सके और हम चैनल पे आपके लिए वो कंटेंट क्रिएट कर सकें जो आप देखना चाहते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।